वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 14, भारतीय न्यायपालिका की संरचना तथा उसका क्षेत्राधिकार भूमिका। पिछले पाठ में आप सरकार के अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं। उसमें आपने पढ़ा है कि सरकार के दो अंग होते हैं, विधायिका तथा कार्यपालिका। आपने देखा कि विधायिका कानूनों को बनाती है और कार्यपालिका इनको लागू करती है। अब आप इस पाठ में न्यायपालिका के विषय में पढ़ेंगे, जो कि सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा आपसी झगड़ों के कानूनी निपटारे करती है तथा एक अभिभावक की तरह संविधान की रक्षा करती है। अब आप अपनी न्याय प्रणाली के विषय में पढ़ेंगे। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि भारत की न्याय प्रणाली संपूर्ण रूप से एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका के अधीन है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन की व्याख्या कर सकेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति तथा उसकी न्याय व्यवस्था की व्याख्या कर सकेंगे, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के रक्षक के रूप में तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में देख सकना, राज्य में उच्च न्यायालयों के गठन की व्याख्या करना, राज्य के उच्च न्यायालयों की शक्ति तथा उनकी न्याय व्यवस्था तथा जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों की व्याख्या करना। एकीकृत न्याय प्रणाली: आप पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं कि हमारा संविधान राज्यों के संगठन की व्याख्या प्रस्तुत करता है, परंतु वह आपसे अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है। हमारे संविधान में केंद्र स्तर पर एक संगठित सरकार की व्यवस्था की गई है, किंतु साथ ही साथ राज्य स्तर पर राज्य सरकारों की भी व्यवस्था है। संविधान में केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों को अलग अलग शक्तियाँ प्रदान की गई है तथा इनके क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। हमारी न्यायपालिका की यह विशेषता है कि यह संपूर्ण देश के लिए एक बंद और एकीकृत है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद राज्यों के उच्च न्यायालय और उसके बाद अधीनस्थ छोटे न्यायालय जो कि भारत के अन्य भागों में काम करते हैं। भारतीय न्याय प्रणाली: भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ अथवा जिला न्यायालय, दीवानी न्यायालय, जिला जज तथा सेशनर्स जज, अधीनस्थ जज, पारिवारिक न्याय, मुसीब, छोटे लघु न्यायालय, लोक अदालतें, फौजदारी न्यायालय, जिला अध्यस्थ और जिला के सेवन जज, मेट्रोपॉलिटन अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट, माला गुजरी, राजस्व न्यायालय, राजस्व बोर्ड, कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार, नवाब, तहसीलदार। सर्वोच्च न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम न्यायालय है। ये नई दिल्ली में स्थित है। गठन: फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश है, 25 अन्य न्यायाधीश हैं। सदन को यह अधिकार है कि इसके न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति का वरिष्ठ न्यायाधीशों जिन को वह उचित समझता है से परामर्श करता है। सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों से भी परामर्श किया जाता है। साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता ही है। राष्ट्रपति चाहे तो अन्य न्यायाधीशों उसको वह समझे कि आवश्यक और उचित परामर्श करता है। सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों वाली एक पीठ के 6 अक्टूबर 1993 के फैसले के बाद अब स्थिति ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय एक दूसरे
न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीशों से सलाह करनी ही होगी, किंतु इसमें राष्ट्रपति की सहमति महत्वपूर्ण होती है। उपरोक्त स्थिति में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अब थोड़ा सा सुधार किया गया है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका न्यायपालिका के योग्य सदस्यों के साथ जो कि संबंध में उचित सलाह दे सकते हैं से परामर्श करने के बाद अपना सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होता है। विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति के योग्य न्यायाधीशों की अस्थायी तत्व रूप से न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को भी अध्यस्थायी तख्त रूप से न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की योग्यताएं। कोई भी व्यक्ति जिसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाए उसमें निम्नलिखित योग्यता होनी आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, उसे किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष का कार्य अनुभव प्राप्त हो, वह किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, राष्ट्रपति की दृष्टि में वह कोई प्रख्यात न्यायाधिवक्ता हो। न्यायाधीशों का कार्यकाल। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रह सकते हैं। कोई भी न्यायाधीश इस अवधि से पहले अपनी इच्छा अनुसार त्याग पत्र दे सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों की सुरक्षा व्यवस्था का उचित प्रावधान आवश्यक होता है। पच्चीति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 65 वर्ष की आयु से पहले भी उसकी अयोग्यता के कदाचार के आधार पर पदस्थ किया जा सकता है। दोनों सदन अलग अलग इस प्रस्ताव को पारित कर दे अथवा वह प्रस्ताव सदन के एक स्तर में दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित कर राष्ट्रपति को सौंप दिए जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को अपवध करने पर राष्ट्रपति विवश होता है। वेतन तथा भत्ते। मुख्य न्यायाधीश को ₹33,000 मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को ₹30,000 मासिक वेतन मिलता है। इसके साथ साथ उनको अनेक सुविधाएं भी प्राप्त की जाती है, जैसे बिना किराए का फर्नीचर सहित दफ्तर, मकान तथा अन्य भत्ते। सेनावृत्ति होने पर न्यायाधीश को सदन द्वारा समय समय पर निश्चित की गई वार्षिक पेंशन मिलती है। न्यायाधीशों को वेतन भत्ते और पेंशन देश की संचित निधि में से दिए जाते हैं और इस पर सदन का नियंत्रण नहीं होता। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते या पेंशन को हटाया अथवा उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। यदि देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति की उसको घटा सकता है। इस प्रकार संविधान में न्यायाधीशों की कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है ताकि वे निष्पक्ष तथा स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय की सत्यता। सर्वोच्च न्यायालय की सत्यता अत्यधिक विस्तृत है। कानून द्वारा सदन की शक्तियों में विस्तार करती है। मुकदमों को सुनता और उनके फैसले करने का अधिकार या शक्ति को ही न्यायिक अधिकार क्षेत्र कहते हैं। इसके अधिकार इस प्रकार हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय के पास निम्न मुकदमों के फैसले करने का अधिकार है। मूल न्यायाधिकार, अपील संबंधित न्यायाधिकार, मंत्रालय संबंधित न्यायाधिकार। मूल न्यायाधिकार इसके अंतर्गत ऐसे मुकदमे आते हैं जिसको सीधे सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर किया जाता है। ये मुकदमे हैं ऐसे मुकदमे जिसके एक और केंद्रीय सरकार और दूसरी और एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो। ऐसे मुकदमे जिनके एक और केंद्रीय सरकार हो, एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो और दूसरी ओर एक या एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो,
दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, इसके अतिरिक्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन संबंधित मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए जाते हैं। मूल न्यायाधिकार एक प्रकार का विशेष अधिकार है जिसके अंतर्गत विशेष प्रकार के मुकदमे सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में ही सुने जा सकते हैं। इनकी सुनवाई निचली अदालतों में नहीं हो सकती। अपील संबंधित न्यायाधिकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय में की गई अपील अंतिम होती है। न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय द्वारा दी गई फैसले से संतुष्ट नहीं है तो सुनवाई के लिए वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से संवैधानिक, दीवानी या फौजदारी संबंधित मसलों की सुनवाई की जाती है। संवैधानिक मसले, यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि उसके विचाराधीन कोई मसला कानून से संबंधित है या तत्विक प्रश्न है तो उस विवाद की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मसलों में अपील की जांच स्वेच्छा से दे देता है, किंतु उसमें उच्च न्यायालय की पुष्टि आवश्यक होती है। यदि किसी स्थिति में उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दीवानी मसले, दीवानी मुकदमे के अंतर्गत संबंधित धन या समझौते के मुकदमे आते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे मुकदमों की अपील भी की जा सकती है जो कि नागरिकों की भलाई से संबंधित हो और जिसे सर्वोच्च न्यायालय के व्याख्या की आवश्यकता हो। फौजदारी मसले, फौजदारी के मसले निम्नलिखित स्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखे जा सकते हैं। बिना प्रमाण पत्र वाले, प्रमाण पत्र वाले, बिना प्रमाण पत्र वाले, यदि किसी व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा दोष मुक्त घोषित कर दिया गया हो किंतु उच्च न्यायालय ने उसे पलटकर मौत की सजा सुना दी हो तब उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि अपने इस मसले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखे। इस प्रकार के मसले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जा सकता है जिसमें यदि उच्च न्यायालय ने स्वयं पहल करके किसी निचली अदालत से किसी मुकदमे को उठा ले और उस व्यक्ति को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड सुना दे। इन दोनों ही स्थिति में व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने मसले को बिना प्रमाण पत्र के ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रख सकता है। प्रमाण पत्र वाले, यदि उच्च न्यायालय ने किसी मसले को ये कहते हुए प्रमाणित कर दिया हो कि मसला संवैधानिक सवालों से संबंधित है और इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में की जानी चाहिए तब ऐसे मसले अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखे जाते हैं। बहुत कम स्थितियों में ऐसा होता है कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मसलों को स्वेच्छाधारी किए जाने के लिए विशेष छूट प्रदान कर दे। अपील संबंधित अधिकार, किसी भी अधीन न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील सुनाने संबंधित अधिकार को अपील संबंधित अधिकार कहते हैं। संतुष्ट पक्ष अधीन न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकता है। मंत्रणा संबंधित न्यायाधिकार, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जनता के महत्व के किसी भी विषय पर परामर्श मांग सकता है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय उस पर अपनी सलाह देने के लिए बांधे नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श भी बांधे नहीं होता। हालांकि आज तक जितने भी परामर्श दिए गए हैं उन्हें सरकार ने माना है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान का संरक्षण, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है और सर्वोच्च न्यायालय इसका एकमात्र अंतिम व्याख्याता। यह सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम कर्तव्य है कि वह इसका संरक्षण करे अर्थात इसकी रक्षा करे। कोई भी संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकता, चाहे वह सदन हो, राज्य विधान मंडल हो, केंद्र हो या कोई राज्य हो। सर्वोच्च न्यायालय कानून या संविधान के विरुद्ध विधायी आदेश को अवैध घोषित कर देता है। किसी भी कानून या दिए गए विधायी आदेश की अवैधता को जांचने के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय के नासिक
न्यायिक पूर्ण अवलोकन संबंधित अधिकार कहते हैं। इस अधिकार के विषय में विस्तार पूर्वक पाठ 15 में आप पढ़ेंगे। 18 मार्च 1997 के निर्णय के अनुसार सदन संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय से न्यायिक पूर्ण अवलोकन का अधिकार नहीं छीन सकती। मौलिक अधिकारों का रक्षक। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर भर सर्वोच्च न्यायालय के साथ उच्च न्यायालयों के कंधों पर भी है। यदि कोई नागरिक ऐसा महसूस करता है कि उसके मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है और सर्वोच्च न्यायालय अपने संवैधानिक उपचारों जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश प्रतिद्वेष अधिकार तथा उत्कृषण लेख का उल्लेख देकर उसे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आप इस विषय में विस्तार पूर्वक मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका का महत्व वाले पाठ में पढ़ेंगे। न्यायिक संग्रह के रूप में सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार का न्यायिक संग्रह भी है। इसके भी निर्णय और फैसले यहाँ पर संजो कर रखे जाते हैं। देश भर के न्यायालयों में इसका संदर्भ उदाहरण दिया जाता है। न्यायालय का अनादर या मानहानि करने पर उसे किसी भी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार है। आपने निर्णय पर पूर्ण विचार। सर्वोच्च न्यायालय को अपने पूर्ण निर्णय पर पूर्ण विचार करने और अपने निर्णय को बदलने का अधिकार है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को नई तथ्यों का पता चल जाए या नए प्रमाण उपलब्ध हो जाए या यह पता चल जाए कि उसे कोई भूल हो गई है जो कि जनता के हित में है तो वह अपने दिए गए निर्णयों को बदल सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सर्वमान्य होता है। कोई भी कानून जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने पारित कर दिया हो वह कानून भारत के सभी नागरिकों सभी न्यायालयों को मान्य होता है। न्यायिक सक्रियतावाद। सर्वोच्च न्यायालय ने अब ऐसे मसलों पर अपना निर्णय देना शुरू कर दिया है जो जनहित से जुड़े होते हैं और उस पर किसी भी प्रकार के कार्रवाई कर पाने में सरकार की विधायिका और कार्यपालिका दोनों सत्ता लगभग असफल रही है। इसके अंतर्गत वह मसले आते हैं जैसे किसी औद्योगिक इकाई अथवा कारखाने द्वारा शहर के वातावरण को प्रदूषित करने का सार्वजनिक पार्कों का दुरुपयोग तथा उच्च स्तरीय भ्रष्टाचारों की पूछताछ तथा छीनबीन आदि। सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रकार की सक्रिय कार्य शैली को न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं। इसके शब्द में आपको अध्याय 16 में विस्तार से बताया गया है। राज्यों में उच्च न्यायालय संगठन। हर राज्य में एक उच्च न्यायालय पाया जाता है। फिर भी कई बार विशेष स्थिति में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय होता है। उदाहरण के लिए पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ का ही उच्च न्यायालय है जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। इसी तरह से उत्तर पूर्व के 7 राज्यों असम नागालैंड मणिपुर मेघालय मिजोरम त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के ही एक ही उच्च न्यायालय है जो कि गुवाहाटी में स्थित है। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। हर उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या हर राज्य में अलग अलग होती है जिनकी संख्या राष्ट्रपति निश्चित करता है। अभी हमारे देश में 25 राज्यों के 7 संघ प्रशासित प्रदेशों के लिए 18 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय का क्षेत्र तथा स्थिति पाठ के अंत में दी गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करना पड़ता है। अन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुखिया न्यायाधीश तथा उसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करना पड़ता है। राष्ट्रपति के पास न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित तबादला करने का अधिकार है। जैसे कि पहले बताया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और
तबादले के लिए राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना ही पड़ेगा। ऐसे निर्णय 1993 के न्यायाधीशों के मसले में सर्वोच्च न्यायालय ने लिया था। न्यायाधीशों की योग्यता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताओं का होना आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, उसे जिला या सेशन जज होने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, या वह किसी एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में निरंतरन 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो। कार्यविधि तथा पच्युति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। सेवा निवृत्त होने पर चाहे तो उसको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में अपने उच्च न्यायालय को छोड़कर वह अपने वकालत शुरू कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसकी अयोग्यता अथवा कदाचार के आधार पर 62 वर्ष की आयु से पहले ही पदमुक्त किया जा सकता है। यदि सदन के दोनों सदन अलग अलग 1/3 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दे तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पदच्युत कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त अथवा पदमस्थ करने का तरीका भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही है। वेतन एवं भाते। उच्च न्यायालय के मुखिया न्यायाधीश को मासिक 30,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों को 26,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों को निःशुल्क निवास तथा कई अन्य भाते मिलते हैं। सेवानिवृत्ति होने पर पसंद द्वारा समय समय पर निश्चित की गई वार्षिक पेंशन मिलती है। इनको वेतन राज्य के सचिव कोष से मिलता है। इस पर राज्य के विधान परिषद अथवा कार्यपालिका का कोई नियंत्रण नहीं होता। उच्च न्यायालय के अधिकार व न्याय क्षेत्र। उच्च न्यायालय को यह अधिकार है जो कि मुकदमे सीधे उससे समस्त दर्ज किए गए हैं उनको सुन और अपना फैसला दे। इस अधिकार को मूल न्यायाधिकार कहते हैं। जब उच्च न्यायालय किसी भी न्यायाधीश न्यायिक के फैसले के विरुद्ध किसी अपील को सुनता है तो उसे अपीलीय न्याय अधिकार कहते हैं। उच्च न्यायालय व्यापक स्तर पर अपील का ही न्यायालय है। दीवानी और फौजदारी के मुकदमों पर चलती अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों के विरुद्ध यहाँ अपील की जाती है। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र बहुत ही सीमित है। कुछ मुकदमों जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन को सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त उच्च न्यायालय में भी शुरू किया जा सकता है। उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह लोगों को मौलिक अधिकारों को बनाए रखने का आदेश दे। इन आदेशों को याचिका कहते हैं। निचली अदालत में सुनाए गए मृत्युदंड को उच्च न्यायालय द्वारा ही स्वीकार प्रदान की जाती है। मुंबई, बम्बई और चेन्नई, मद्रास के उच्च न्यायालयों को यह अधिकार है कि वह ईसाइयों को पारसियों की शादी और तलाक के मुकदमे पर अपने न्याय अधिकार के अंतर्गत सुने। सदन द्वारा पारित कानून के अनुसार दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय 5,00,000 अथवा उससे अधिक की संपत्ति के दीवानी मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। उच्च न्यायालय चुनाव संबंधित मुकदमे की सुनवाई भी कर सकती है। यदि वह अथवा विधानसभा का कोई उम्मीदवार किसी बार की चुनौती देता है, यदि उस न्यायालय को यह पता चल जाए कि चुनाव में किसी सदस्य ने धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार फैलाने वाले तत्वों का प्रयोग किया है, तब वह उसके चुनाव को रद्द कर सकता है। सभी निचली अदालतें उच्च न्यायालय की देखरेख और सलाह के अंतर्गत ही कार्य करती है। अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय भी सर्वोच्च न्यायालय की तरह एक अभिलेख न्यायालय है। राज्य के सभी न्यायाधीश न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसलों को मानने के लिए बांधे होते हैं, जिसका सर्वदम पहले भी दिया गया है। इसकी अवहेलना करने पर उच्च न्यायालय को किसी भी दंडित करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय। भारत के हर जिले में विभिन्न प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे कि दीवानी फौजदारी और मलगुजारी न्यायालय। ये न्यायालय अपने अपने दीवानी फौजदारी और मलगुजारी के मुकदमों की सुनवाई करते हैं। दीवानी मुकदमे।
जैसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों में संपत्ति का झगड़ा, किसी समझौते को तोड़ देना, तलाक या मकान मालिक किराएदार का झगड़ा, इन सब की दीवानी न्यायालय निपटाते हैं। फौजदारी मुकदमे, जैसे किसी कानून का उल्लंघन करना, ऐसे मुकदमे चोरी चकारी डकैती अपहरण जेब काटना शारीरिक रूप से नुकसान कत्ल आदि, ऐसे मुकदमों में अपराधी को जुर्माना कैद या फिर मृत्यु दंड भी दिया जाता है। मालगुजारी के मुकदमे, जैसे कृषि योग्य भूमि पर भूमि राजस्व आदि संबंधित मुकदमे दायर किए जाते हैं। दीवानी न्यायालय, जिला न्यायालय जिले का सबसे बड़ा न्यायालय है जहाँ दीवानी मुकदमे सुने जाते हैं। जब यह दीवानी और फौजदारी दोनों के मुकदमे जिला स्तर पर ही देखे जाते हैं, तब अक्सर इसी न्यायालय को डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज का न्यायालय भी कहा जाता है। इस न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। जिला अध्यक्ष के अधीन एक या दो अधीनस्थ जज होते हैं। स्वतंत्र पारिवारिक न्यायालय जो कि अधीनस्थ न्यायाधीश के बराबर है को जिलों में स्थापित किया गया है, जहां पर पारिवारिक झगड़े जैसे कि तलाक, बच्चों का अभिभावकनात्मक सौंपना, इसके बाद आती है मुसीफ की अदालत और छोटे मोटे कारणों की अदालत, जैसे कि छोटे धनराशि के झगड़े। इन छोटे न्यायालयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। सभी झगड़ों का निपटारा यह दीवानी न्यायालय ही करते हैं। जिला न्यायालय केवल अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध की अपील को ही नहीं सुनता, बल्कि कभी कभी कुछ मुकदमे सीधे जिला न्यायाधीश के न्यायालय में ही सीधे जज दर्ज कराए जाते हैं। इसके न्याय के विरुद्ध राज्य के उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। दीवानी न्यायालय ऐसे मुकदमे की सुनवाई करती है जो कि दो या दो से अधिक सत्यों के बीच वो संपत्ति संबंधित हो, किसी समझौते को तोड़ा गया हो अथवा मकान मालिक किराएदार के बीच। फौजदारी न्यायालय, जिले के अंदर फौजदारी मुकदमों के लिए सेशन जज का न्यायालय सबसे बड़ा होता है। इसके बाद प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय आते हैं। मेट्रोपॉलिटन शहरों जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और चेन्नई में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं उन सभी व्यक्तियों को जो कानून का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, उन्हें ये सभी फौजदारी न्यायालय कानूनी आधार पर दोष मुक्त अथवा दंडित करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। छोटे छोटे मुकदमे जो कि ग्राम स्तर के होते हैं, उनका निपटारा न्याय पंचायत करती है। आप इसके बारे में विस्तार से अध्याय 24 में पढ़ेंगे। फौजदारी न्यायालय कानून का उल्लंघन करने वाले फौजदारी मुकदमे सुनते हैं। ऐसे मुकदमे जिसमें चोरी डकैती या भारण जेब काटना कत्ल और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना आदि, ऐसे मुकदमों में अभियुक्त को सजा देना या सजा जुर्माना कैद और कभी कभी मृत्यु दंड भी हो सकती है। मालगुजरी न्यायालय, भूमि संबंधित मालगुजरी के मुकदमे जिले के दायरे की जाती है। मालगुजरी न्यायालय के बोर्ड ऑफ रिवेन्यू सबसे बड़ा न्यायालय होता है। इसके अधीनस्थ कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार तथा नवाब तहसीलदार की अदालतें आती हैं और बोर्ड ऑफ रिवेन्यू इन सभी छोटी मोटी अदालतों के विरुद्ध की गई अंतिम अपील को सुनता है। भूमि राजस्व, ये एक प्रकार का कृषि भूमि पर लगाए जाने वाला कर है जो सरकार किसानों से वसूल करती है। आपने क्या सीखा? हमारे देश की न्याय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि एकीकृत और एक शहरी सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायालय, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और दूसरे 25 न्यायाधीश है जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसके पास आरंभिक अपील संबंधित और मंत्रणा संबंधित अधिकार क्षेत्र है। ये संविधान का रक्षक और मौलिक अधिकारों का रक्षक है। इसके पास पूर्ण विचार करने का भी अधिकार है। यह न्यायिक संग्रह भी हमारे देश में 25 राज्यों में 7 संघ शासित राज्यों के लिए 18 उच्च न्यायालय इसके न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वह अपने पद पर 62 वर्ष
की आयु तक बने रह सकते हैं। उच्च न्यायालय सुरक्षा रूप से अपील का न्यायालय है। इसका आरंभिक अधिकार क्षेत्र बहुत ही सीमित है। हर जिले में अस्थित दीवानी, परिवेश, फौजदारी और मलगुजरी न्यायालय, लघु अदालतों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। विस्तृत जानकारी। सर्वोच्च न्यायालय और सदन के बीच मौलिक अधिकारों, नैतिक सिद्धांतों को लेकर संघर्ष। सदन और न्यायपालिका के बीच आरंभ से ही तनाव चल रहा है। यह संघर्ष मौलिक अधिकारों और नैतिक सिद्धांतों को लेकर है। उच्च न्यायालय नैतिक सिद्धांतों से अधिक मौलिक अधिकारों पर जोर देता है। उच्च न्यायालय ने उच्च कानूनों को रद्द अप्रमाणित कर दिया जो कि नैतिक सिद्धांतों के आधार पर बने, जैसे कि जनसाधारण के सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना, जो कि एक प्रकार से मौलिक अधिकारों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जमीन प्रणाली का बहिष्कार करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गोपनीय तरीके से धन बनाना, अध्यादेश का बहिष्कार आदि को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। संविधान के 42वें संशोधन के अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार पर पाबंदी लगा दी थी, परंतु 42वें संशोधन अधिनियम से उसे यह अधिकार दे दिए गए। उच्च न्यायालय तथा उनके न्याय क्षेत्र की सीमा। आपने पढ़ा है कि हमारे देश के 25 राज्यों में 7 संघ शासित राज्य के 18 उच्च न्यायालय। हमारे देश में उच्च न्यायालय और उनके न्याय क्षेत्र निम्न दिए गए हैं। उच्च न्यायालय के नाम, स्थापना, न्याय क्षेत्र, उन शहरों का नाम जहां उच्च न्यायालय स्थित है। दोस्तों ये थोड़ा ध्यान से देखना और इसका आप नोट्स बना लीजिए वीडियो को पॉज कर। इलाहाबाद 1966 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद बेंच लखनऊ आंध्र प्रदेश, 1954 आंध्र प्रदेश हैदराबाद, मुंबई बम्बई, 1861 महाराष्ट्र गोवा दबन दिवीन दीव के संघ राज्य तथा दादर नगर हवेली संघ राज्य, नागपुर पांडिचेरी और औरंगाबाद, कलकत्ता 1871 पश्चिमी बांग्ला अंडमान निकोबा द्वीप समूह संघ राज्य, कलकत्ता दिल्ली 1966 दिल्ली गुड़वाहाड़ी 1972 असम मणिपुर मेघालय नागालैंड त्रिपुरा मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, गुड़हाड़ी इस्फाल अगरतला शिलांग स्थायी रूप से कोहिमा, गुजरात 1960 गुजरात हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश 1971 हिमाचल प्रदेश शिमला, जम्मू कश्मीर 1928 जम्मू व कश्मीर, श्रीलंका जम्मू, कर्नाटक 1884 कर्नाटक बेंगलोर, केरल 1956 केरल और द्वीप के संघ राज्य एकोलम, मध्य प्रदेश 1956 मध्य प्रदेश जमलपुर एगलिया और इंदौर, चेन्नई मद्रास 1871 तमिलनाडु और पांडिचेरी संघ राज्य चेन्नई मद्रास, उड़ीसा 1948 उड़ीसा कर्नाटक, पटना 1916 बिहार पटना पिंच रांची, पंजाब और हरियाणा पंजाब हरियाणा तथा केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़, राजस्थान 1949 राजस्थान जोधपुर मेच राय जयपुर, गंडकोड 1975 सिक्किम गंडकोड। दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।